अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमा आज फूड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी केएफसी स्टाइल के जिंगर बर्गर। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं जिंगर बर्गर। बनाने के लिए आधा किलो मैंने चिकन लिया है और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर रही हैं। अब मैं इसे मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। चिकन को मैंने रेस्ट पे रखा है, जहाँ पर मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ एंड 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चिकन को जो मैरिनेट करके मैंने रखा था उसे मैंने 4 से 5 पानी से वॉश कर लिया है। अब इन चिकन को मैं मसाले लगा लूँगी। हाथों की मदद से आप मसाला लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सारे चिकन में मैंने अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पर यहाँ पर बर्गर के लिए सॉस तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस और 1/2 कप ही मैं इसमें मायोनीज भी शामिल कर रही हूँ और अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। बर्गर के लिए सॉस भी रेडी कर लिया है मैंने। और एक बाउल में सादा पानी लिया है ठंडा और यहाँ पे मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर में 1/2 कप चावल का आटा शामिल किया है। चिकन को मैं फ्लोर में इस तरह से राउंड कर करके मिक्स करूँगी ताकि चिकन में अच्छी तरह से फ्लोर मिक्स हो जाए। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए पानी में रखूँगी और अब मैं इसे पानी से निकाल के दोबारा से फ्लोर लगाऊँगी और ये अमल मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बार करूँगी और इसी तरह से सारे चिकन में फ्लोर मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर एक तैयार होगा इसका। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी चिकन को। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 10 मिनट तक फ्राई करूँगी और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे पलट दूँगी। दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और ये बिल्कुल गोल्डन सा क्रिस्पी सा हो गया है, ये देखें। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं तमाम चिकन्स को फ्राई कर लूँगी। बर्गर बन को सेक लूँगी, बस 2 मिनट मुझे सेकना है। ये किनारों से गोल्डन सा हो गया है, बस इसे मैं अब मैं निकाल लूँगी। बर्गर सॉस लगाऊंगी जो कि मैंने बना के रखा है। साथ ही इसमें मैं फ्राइड जिंगर चिकन जो है वो रखूँगी। अगेन मैं इसमें सॉस लगा रही हूँ। दूसरे साइड के बन पर भी मैं सॉस लगा दूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर चीज़ भी शामिल करती हूँ।
और इसके ऊपर भी मैं सॉस लगाऊंगी। मज़ेदार सा हमारा ये बर्गर जिंगर बर्गर KFC स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार टेस्टी KFC स्टाइल सिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।